आपकी नजरें होंगी हमारी आंखें और होगी आपके आसपास की फैल रही बीमारियों के उपचार की बात, होगी राजनीति, खेल और फिल्म जगत से जुड़ी तमाम हस्तियों की फिटनेस और बीमारियों के बारे में बात। हम बताएंगे कौन सा फल और कौन सी सब्जी बनेंगे आपके दोस्त और रखेंगे आपको बीमारियों से दूर। तो हो जाइए तैयार, एक खास प्रोग्राम को लेकर आ रहा हूँ मैं अंकुर अस्थाना और मैं रिजवान खान। इस प्रोग्राम का नाम है GST। ना, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं बल्कि गुड सॉल्यूशन फॉर ट्रीटमेंट। अगर आप खूबसूरती को तवज्जो देते हैं या खूबसूरत दिखने के लिए खुद को खूब केयर करते हैं तो आप मशहूर ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन के नाम से तो रूबरू जरूर हुए होंगे। शहनाज हुसैन एक ऐसा नाम है जो भारत की सबसे सफल महिला उद्यमियों की श्रेणी में आता है और उनकी एक कंपनी भी है जिसका नाम शहनाज हुसैन हर्बल है, जो दुनिया भर में हर्बल प्रोडक्ट्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। उनकी कंपनी सौंदर्य और सेहत के लिए करीब 400 उत्पादन प्रोडक्ट बनाती है और उन्हें करीब करीब पूरी दुनिया में बेचती है। स्पष्ट विचारवादी और आकर्षण रूप के लिए जाने जाने वाली शहनाज हुसैन ने अपना दबदबा फ्रेंचाइजी सिस्टम से बनाया। इस कारण उनके हर्बल उत्पाद तेजी से दुनिया में फैशन और प्रतिष्ठा का परिचायक बन गए। तो आज की रिपोर्ट में हम लेकर आए हैं हर्बल दुनिया की ऐसी मसीहा जिसका नाम है शहनाज हुसैन। आज हम आपको बताएंगे शहनाज हुसैन से जुड़े ऐसी बातें जिसे आप अनजान रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं उनकी जिंदगी के सफर से। कहाँ हुआ शहनाज हुसैन का प्रारंभिक जीवन? शहनाज हुसैन का जन्म 1940 के एक संभ्रांत और प्रख्यात परिवार में हुआ था। वो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश NU बैग की पुत्री हैं। उनके दादा मीर या जंग हैदराबाद के मुख्य न्यायाधीश और नागपुर के गवर्नर थे। उन दिनों उनकी सगाई मात्र 14 साल की उम्र में हो गई थी और 16 साल की उम्र में शादी भी हो गई थी और उसी साल वह एक बच्चे की माँ भी बनी। फिर शुरू हुआ उनका घरेलू जीवन का बड़ा संघर्ष। नाजुक सी उम्र में बड़ी जिम्मेदारी वो नहीं संभाल पाए और घरेलू जीवन में ऊब जाने पर ब्यूटिशियन बनने की जिद लिए शहनाज हुसैन को मिला पति और पिता दोनों का साथ। फिर क्या था, इसके बाद हौसलों की उड़ान के साथ शहनाज हुसैन ने दुनिया के कई ब्यूटी स्कूलों में पढ़ाई की। कैसे बना करियर? आधुनिक सौंदर्य प्रसाधनों में प्रायः रसायनों का उपयोग होता था जिसका शरीर पर बुरा असर पड़ता था, जिसे देखते हुए उन्होंने आयुर्वेद का अध्ययन किया और इसके बाद लगभग 10 वर्षों तक लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और कैम्पहेगन के प्रतिष्ठित पार्लरों में प्राकृतिक सौंदर्य प्रणाली का प्रशिक्षण लिया। वर्ष 1977 में उन्होंने दिल्ली में अपने घर पर ही शहनाज हुसैन हर्बल की शुरुआत की। उन्होंने शुरुआत से ही बहुत जबरदस्त समर्थन मिला और वो अगले 6 महीनों के लिए बुक हो गई। पहले वह रोगी विशेषज्ञ के लिए उपचार करती थी लेकिन जल्द ही वह मुहासे, झाई, त्वचा में नमी की कमी और एलोपेशिया यानी बालों को गिरने से रोकने के लिए विभिन्न उत्पाद बाजार में पेश गई। वो वक्त था 90 का दशक जब आते आते शहनाज के उत्पादकों को इतना पसंद किया जाने लगा कि वह दुनिया और देश दोनों में सभी बड़े स्टोर पर छाने लग गई। 70 के दशक में उन्होंने सौंदर्य विशेषज्ञों के वैश्विक सम्मेलन सिडेस्को में देश की नामुमदगी की और उन्होंने एक दिन के लिए इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने का भी मौका मिला। इस मौके का लाभ उठाते हुए उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान आयुर्वेद की ओर खींचने का प्रयास किया। धीरे धीरे दुनिया भर में उनके सौंदर्य उत्पादकों का डंका बजने लगा और लंदन के हेरोड्स से लेकर दुबई के सुल्तान स्टोर्स तक सब जगह उनके उत्पाद बेचने के लिए तत्पर रहने लगे लोग। उन्होंने अपने करियर को बढ़ाने के लिए फ्रेंचाइजी के तहत भारत और विदेशों में अपने एक्सक्लूसिव स्टोर्स खोले लेकिन गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए वे अपने सभी फ्रेंचाइजी मालिकों को पहले प्रशिक्षण देती। भारत में सौंदर्य चिकित्सा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के परीक्षण संस्थानों की आवश्यकता महसूस करते हुए शहनाज ने वुमेन वर्ल्ड इंटरनेशनल की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य शारीरिक संरचना, सौंदर्य, व्यक्तित्व विकास से लेकर सैलून प्रबंध तक सभी विषयों पर प्रशिक्षण देना।
इसके बाद सहनाज ने पुरुष सौंदर्य के क्षेत्र में मेंस वर्ल्ड इंटरनेशनल की भी शुरुआत की। सहनाज हुसैन हर्बल 2 R&D केंद्रों का संचालन करती हैं। इसके अलावा दिल्ली के पास 2 औषधि उद्यान व फूलों के बाग भी हैं। सहनाज हुसैन हर्बल की खास बात यह है कि कच्चे माल से लेकर प्रोसेसिंग और पैकेजिंग तक की पूरी प्रक्रिया में गुणवत्ता पर वह पूरा ध्यान रखती हैं। इतने उत्पादकों और विशाल कारोबार के बावजूद कंपनी कभी भी अपने उत्पादों का विज्ञापन नहीं करती। इस बारे में सहनाज कहती हैं, ग्राहक संतोष सबसे बड़ा विज्ञापन है। उनकी इस बड़ी उपलब्धि की वजह से उन्हें पुरस्कार और सम्मान भी बहुत मिले। क्या है वो पुरस्कार, हम आपको बताते हैं। सौंदर्य प्रसाधन संबंधी क्षेत्र की मुख्य उद्यमी सहनाज हुसैन को आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के कई देशों में सम्मानित किया गया। ब्रिटेन में लाइट्स TSB जेवेल अवार्ड से सम्मानित की गई। वहीं अमेरिका में लियानांद्रो द विंची डायमंड अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया। जिलेवा में इंटरनेशनल स्टार अवार्ड गुणवत्ता हीरा उत्पादक खंड प्रदान किया गया। द आर्क ऑफ यूरोप गोल्ड स्टार फॉर क्वालिटी अवार्ड के लिए भी उन्हें सम्मानित किया गया। वन ऑफ द लीडिंग वुमेन इन ट्रेप्यूड्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। द 2000 मिलेनियम मेडल ऑफ ऑनर, इससे भी वो नवाजी गई। और इसके अलावा राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार भी उन्हें मिला। वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड 1983 में भी उन्हें सम्मान दिया गया। इमेज इंडिया अवार्ड 1985 में उन्हें मिला। फिक्की आउटस्टैंडिंग वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 1986 से भी उन्हें सम्मानित किया गया। तो ये थे वो अवार्ड जो उनकी काबिलियत पर उन्हें मिले। तो सहनाज हुसैन एक बड़ा नाम है और एक बड़ा काम भी उन्होंने किया जिस वजह से उन्हें इतने सारे सम्मान मिले। क्यूरियन हेल्डेक्स की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।